सुप्रिया मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। एक्सीडेंट हो सकता है, किडनैप, एनीथिंग कैन हैपन। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर माय चाइल्ड इज सेफ। सो अब क्या करें, पुलिस को फोन करें? कहां थी तू? हमने फोन करने की काफी कोशिश की थी लेकिन गाड़ी खराब थी। टैक्सी ढूंढने की कोशिश की, टैक्सी भी नहीं मिली। बड़ी मुश्किल से गाड़ी धकेलते हुए हम लेके गए हाईवे तक, तब जाके मैकेनिक मिला। इवन प्री वाज वरिड। प्री? ओ प्रियंका, राहुल जमाना खराब है और प्रियंका मेरी इकलौती बेटी है, आइंदा ऐसा ना हो। खैर तुम घर जाओ, तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे, चाहे तो यहाँ से फोन कर सकते हो। नहीं सर, बिना बताए घर देर से आए, तुम लोग घबराओगे नहीं? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी आंटी। हमें अगर तुम और प्रिया सॉरी ना भी बोलो तो कोई बात नहीं, लेकिन बात को समझो, मैं यही चाहूंगा। एनीवे सन, इट्स टू लेट, गेट गोइंग। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट। गुड नाइट प्रिया। तेरा दिमाग खराब हो गया था? ऐसी जगह जाने की क्या जरूरत थी जहाँ कोई मैकेनिक ना मिले, ऐसी सुनसान जगह जहाँ कोई फोन ना हो, वहाँ तो कुछ भी हो सकता था। जब आप लोग यंग थे तो क्या घूमने नहीं जाते थे? बदतमीज। सुप्रिया तुम अंदर जाओ, तुम इधर आओ। विकी, प्रिया घर आ गई। कहाँ गई थी? राहुल के साथ। उसे तो थप्पड़ मारकर घर पर बिठा कर रखना चाहिए। तेरा बस चले ना तो हर लड़के को थप्पड़ मारकर घर बिठा दे। थैंक गॉड तो लड़की नहीं है। अच्छा, और पहले तो कहती थी कि विकी तू लड़की क्यों नहीं है। विकी, मेरी जिंदगी में कुछ कम टेंशन है कि मैं लड़की की टेंशन अलग से ले लूं? हाँ, इतनी हिम्मत अम्मा में नहीं है। विकी, तू मेरी इतनी लाड़ क्यों करता है? मैं तेरी अम्मा हूँ बेटा, बच्ची नहीं हूँ। मेरा बस चले ना अम्मा तो मैं तेरे लिए एक महल बनाऊं जहां तेरी बहुत सारी दासियां हों और तू जब चाहे उन्हें हंटर से मार सके और उन पर हुक्म चला सके। विकी, तू कॉलेज के बाद क्या करेगा? पता नहीं अम्मा, I'm very confused. क्यों? लेकिन मैं बड़ा बनना चाहता हूं, बहुत बड़ा। विकी, अब तो बड़ा हो गया बेटा, ये ख्याली पुलाव बनाना छोड़ दे। जिंदगी जीने के लिए होती है, वो जैसे भी है उसे जीना सीख ले। विकी, अम्मा लव्स यू वेरी मच। तो अम्मा को खुश देखना नहीं चाहता? ऑफ कोर्स अम्मा, बहुत खुश। अच्छा बता, तू विवा को संभाल सकता है? हाँ। तो अपने आप को संभाल सकता है? अम्मा, तू ऐसा क्यों बोल रही है? तू है ना हम लोगों के लिए। नहीं विकी, अब अम्मा यहाँ नहीं जी सकते। यहाँ रहना अम्मा के लिए बहुत मुश्किल हो गया। It's become impossible, son. मैं समझता हूँ अम्मा, लेकिन तेरे बिना मैं नहीं जी सकता। विकी, बहुत सी बातें होती हैं ना, वो तो अब नहीं समझेगा। बेटा एक घर प्यार से बनता है, उसकी बहुत सी शाखाएं होती हैं। जब जहर फैलने लगता है ना तो शाखाएं सूख जाती हैं। अम्मा बहुत थक गई है बेटा, अम्मा अपनी जिंदगी जी नहीं सकती। मैं तुम्हारे साथ हूं अम्मा, हमेशा। मैं तो तेरे लिए सारी दुनिया से लड़ सकता हूं। प्रिया, क्या तुम राहुल से प्यार करती हो? पापा, ज्यादातर लड़के इमेच्योर हैं और राहुल एटलीस्ट इंटरेस्टिंग है, और किसी के साथ बाहर घूमने जाने का मतलब प्यार तो नहीं है। नहीं है, लेकिन वक्त का ख्याल रखना तो जरूरी है। किसे समझा रहे हैं आप? इसका तो बाहर जाना ही बंद कर दीजिए। क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया? आप लोगों को तो मुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। विश्वास? वो भी उस राहुल सेठ का जो आए दिन नई लड़कियों के साथ घूमता रहता है। अरे कुछ तो ख्याल किया होता कि लोग क्या कहेंगे,
लेकिन डैडी की इज्जत का ख्याल तुम क्यों कर रहे हो? मामा प्लीज, आपको तो ड्रामेटिक होने की आदत है। आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मैंने ना जाने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। बात किसी को दोष देने की नहीं है, बात तुम्हारी सेफ्टी की है। अगर राहुल मुझे तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी देता है तो मुझे कोई एतराज नहीं। आप लोग आपस में तय कर लीजिए कि आपको किसकी परवाह है। आपको मेरी सेफ्टी की फिक्र है या सोसाइटी की, या फिर इस बात की कि मेरा राहुल से अफेयर ना हो जाए। लेकिन तू राहुल के साथ इतनी देर तक रहेगी क्यों? क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है, और इसमें बुरा ही क्या है? तो वो सब कुछ करेगी जो तुझे अच्छा लगता है। सुप्रिया प्लीज, बस और दिमाग चढ़ाओ इसका। तुम जिंदगी भर इसे समझाते ही रहना, लेकिन इसकी समझ में तब आएगा जब इसकी बदनामी हो चुकी होगी। पापा, मामा किन टर्म्स में बात कर रही हैं? बदनामी, लोग क्या कहेंगे? सवाल सिर्फ बदनामी या समाज का नहीं है। प्रिया, वो जगह सुनसान थी, वहां गुंडे आ सकते थे, कुछ भी हो सकता था। बेटा, तुमने अभी बहुत कुछ नहीं देखा है। हम जो कुछ करते हैं उसका आने वाली जिंदगी पर बहुत असर पड़ता है। हम बहना अफोर्ड नहीं कर सकते। जा, जाकर सो जा। सुनो, तुमने कुछ खाया? मुझे भूख नहीं है पापा। थोड़ा कुछ खा लो। गुड नाइट पापा। बेटा, हम तेरे दुश्मन नहीं हैं, तेरा भला चाहते हैं। फिर नानी को पता लग गया होगा तो फिर विवाह ने नानी को क्या बोला होगा? अम्मा, अम्मा, गुड नाइट अम्मा। तू एक रात तो चैन की नींद सो ले। वो कौन है अम्मा जिसके भरोसे तुम हमें छोड़ के जाना चाहती हो? आई मिस यू अम्मा, आई रियली मिस यू वेरी मच। दिन भी नहीं हुआ है वे, तेरा एड्रेस खो गया यार, और अब हम यहीं रहेंगे। I don't believe this. तो इसी शहर में रहेगी? हाँ, और मिस्टर निकी को एक और साली मिलेगी इश्क फरमाने के लिए। कौन मिस्टर निकी? मेरे चेहरे की रौनक से नहीं पता चलता मेरी शादी नहीं हुई है। और आपके चुन्नू मुन्नू किधर है सारे? अकेली आई है क्या? मेरे चेहरे की खूबसूरती का राज वो नहीं, कुछ और है। चल यार, अब बनेगी बात। We'll paint the town red. चलिए यहाँ से प्रस्थान कर किसी जल पान गृह में जाकर चाय पान करते हुए वार्तालाप करते हैं। हाँ चलिए। ओ गॉड, एक बैग तो मैं ऊपर भूल आई, तू यहाँ वेट कर, मैं लेके आती हूँ। ओके यार, सुबह के 4 बजे वो घर पे आई। अबे बड़ी ऊंची चीज है वो। मेरी मम्मी मुझे काट ही डालती। कहीं अटक गए होंगे। हाँ, एक दूसरे में। चुप करो यार तुम लोग। चुप करो यार, रजत इज फीलिंग हर्ट। और तुझे किसने बताया? भगवान ने? द वर्ल्ड इज वेरी स्मॉल डियर। मैं नहीं मानता, प्रिया ऐसी नहीं है। अच्छा, तो फिर वो आई क्यों नहीं और राहुल क्यों नहीं आया? देखो, प्रेग्नेंट हो जाती है कि नहीं। राइट, शट अप दद्दू, तुम लोगों को क्या? वो कुछ भी करे उसकी अपनी जिंदगी है, वो देख लूंगा।
तुम लोग को भी देख लूंगा। हाय, आप यहाँ क्या कर रही हैं? फुटबॉल खेल रही हूँ। जी, आपके तेवर क्या हर वक्त कुछ ऐसे ही चढ़े रहते हैं? अगर कोई बेवकूफाना सवाल पूछे तो जवाब जाहिर है ऐसा ही मिलेगा। एक डिपार्टमेंटल स्टोर में आदमी शॉपिंग के अलावा और क्या कर सकता है? लेकिन आप कुछ खरीद तो नहीं रही हैं? शायद किसी का इंतजार कर रही हैं। वेयर इज ही? मुझे लगता है आपने मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही रिसर्च कर ली है। चल। आप आज भी लगता है आपने मुझे गलत एड्रेस दिया था। आप शायद यही रहते हैं। ओ, आप इनको भी जानते हैं? इन्हें तो मैं कब से ढूंढ रहा था। तुम इन्हें कैसे जानती हो? ये तो हर जगह पहुंच जाते हैं, फिर मांगो या ना मांगो अपनी राय भी देते हैं। तुम्हें नहीं थी? हाँ दी थी, क्यों भूल गई? द वर्ल्ड इज नॉट वर्थ क्राइंग फॉर। एनीवे निकालिए 30 रुपए। 30 रुपए? अरे हाँ भाई, उस दिन की आइसक्रीम के निकाली, जल्दी जल्दी निकाली। ओके, गॉट द मैसेज। उस दिन अचानक कुछ काम याद आ गया था। चलिए आज आपको आइसक्रीम खिलाई देते हैं। जी नहीं, आज मैं जरा जल्दी में हूँ, मेरी मार्केटिंग मैनेजर से मीटिंग है। और आपको एक ऐसी खबर सुनाता हूँ कि आप अपना गुस्सा भूल जाएंगे। मुझे आपकी खबर में कोई दिलचस्पी नहीं। देखिए, मैं एक बहुत अच्छा इंसान, इसलिए बता ही देता हूँ। रेवती जी आपकी बहुत तारीफ कर रही थी। ओह, अरे भाई कमाल है, आपको इतनी अच्छी खबर सुना रहा हूँ और आप हंसती नहीं। एनीवे, टेक केयर, बाय। और आप अपनी तस्वीरें लेने मेरे घर जरूर आइएगा, मैं इंतजार करूंगा। काफी मजेदार आदमी है, कुछ ज्यादा ही मजेदार। तू कहाँ मिली थी उससे? रेवती शर्मा के बुटीक में, उन्होंने मुझे एक असाइनमेंट दिया है। That's really great, yeah. That's really great. Come on, let's celebrate. Okay. विक्रम बाइक खरीदना चाहता है। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। बच्चों को छुट्टों में कहीं भेजा? नहीं, यही सरते रहे। विवेक मसूरी जाना चाहता था। तो मैं क्या करूं, अपने आप को बेच दूं? हर बात का बस यही एक जवाब है तुम्हारे पास। अगर इतनी भी औकात ना हो ना, तो बात बात पर चिल्लाया मत करो। ओ, तो तुम्हें मेरी औकात मालूम चल गई है? हाँ, बहुत अच्छे। मैं खुदगर्ज हूँ, निकम्मा हूँ, अब इससे अच्छा बहाना तुम्हें क्या मिल सकता है मुझे छोड़ने का? तुमसे तो बात करना ना। रजत, तुझे अच्छा लगे या बुरा लगे, बिना बताए आधी रात को घर आना कोई ठीक बात नहीं है। ये तू ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि तू जेलस है। मैं जेलस? क्यों? ये तू अच्छी तरीके से जानती है क्यों। तेरा तो दिमाग खराब हो गया है, इसलिए तुझे सब उल्टा ही नजर आता है। कुछ भी कहो यार, पर प्रिया है तो सेंसेशनल। 2 दिन नहीं हुए उसे आए और उसने धमाल कर दिया। धमाल तो वो अमेरिका में भी करके आई है। मैं ऐसी लड़कियों से जेलस नहीं होती जिनके लिए प्यार सिर्फ एक मजाक है, कोई एहसास नहीं। मुझसे पूछ वो अमेरिका में क्या गुल खिला के आई है। सिखा, बस करो, वो तुम्हारी दोस्त है। एक लड़की जिसने सिर्फ इतना ही किया है कि वो घर देर से लौटी है और वो यहाँ है भी नहीं, तो फिर क्या हक बनता है हम उसके बारे में बात करें? अगर वो यहाँ होती तो क्या तुम्हारी बातें सच साबित कर देती थी? नहीं शिखा, लेकिन तुम्हारा सही और गलत, हो सकता है उसका सही और गलत ना हो। दुनिया में एक ही सही और गलत है, ऐसा तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। राइट। और तुम लोगों ने तो उसकी हर चीज को गलत मान लिया। हाय बास्टर्ड्स, व्हाट्स हैपनिंग? एक शिफ्ट कर। आंटी, एक कॉफी। तो कॉलेज एक हफ्ते में स्टार्ट हो रहा है, व्हाट्स द पीओए, प्लान ऑफ एक्शन क्या?
क्या बात है, आज सारे के सारे गुस्से में हो क्या? राहुल और प्रिया कल डेट पर गए थे। प्रिया प्रेग्नेंट है क्या? इतनी जल्दी रिपोर्ट कहाँ मिलेगी बॉस? उस लड़की को तो एक दिन चौराहे पर खड़ा करके चाबुक से मारना चाहिए। विक्रम बिहेव सर। अब प्रिया को तो दो मिनट में कोई भी विकी चुप हो जा। अरे उसने तो दो मिनट में कोई भी बिस्तर में चुप कर विकी। रजत शी इज अ थर्ड रेट सेक्स बॉम्ब। विकी मैं कहता हूँ बस कर। राजा वो जिंदगी भर तुझे लटका के रखेगी, वो मैं देख लूंगा, पर तू उसके बारे में मुझे एक लफ्ज़ मत निकालना। तू है क्या? वो तो हर लड़के को भाव देती है, उसमें है ही क्या उसके बदन के सिवा? वो क्या समझेगी कि प्यार क्या होता है? तू क्या जाने प्यार दिन भर जहरों का लेके सिवा तू जाता है कुछ और? दूसरों से लड़ता फिरता है क्योंकि तेरे माँ बाप पे नहीं पड़ती। हे रजत, मेरे माँ बाप को बीच में मत ला। हाँ तेरी माँ तो तुम लोगों ने क्या बना दिया है इस जगह को? जरा तो शर्म करो। रजत तेरे बचपन का दोस्त है, तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती एक लड़की के पीछे? छी छी छी। मैं नहीं जानता आंटी, मेरी माँ के बारे में कोई भी कुछ बोलेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। रजत हम लोगों की लड़ाई में माँ बाप को लाना क्या जरूरी है? मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। सुनो तुम्हें ज्यादा लगी है, ये लो। तुम तो मुझे गुंडा समझ रही होगी पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे कुछ भी समझो। देखो अगर मेरी माँ के बारे में किसी ने कुछ कहा होता तो शायद मैं भी यही करती। मेरा नाम विक्रम है, विक्रम शर्मा। आई एम रिया। देखो विक्रम मैं समझती हूँ, मेरे पिता नहीं है, मेरी माँ ही मेरे लिए सब कुछ है। मेरे तो डैडी है लेकिन फिर भी मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है। थैंक यू। मेरे साथ घर चलो और कॉफी पियो, मेरी माँ कॉफी बहुत अच्छी बनाती है। नो थैंक्स, फिर कभी। हमें इनवाइट नहीं करोगी? जी नहीं, सिर्फ मेरे दोस्त मेरे घर आ सकते हैं। और हम आपके दुश्मन हैं? आप क्या समझते हैं, आप हैंडसम हैं, आप अमीर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। थैंक्स, एटलीस्ट आप मुझे हैंडसम तो समझती हैं। कुछ लोग खूबसूरत होते हैं लेकिन अच्छे इंसान नहीं। आपने क्या सोचा था आपके चॉकलेट देकर मैं पिघल जाऊंगी? उस दिन जो मेरे साथ आपने किया उसे मैं इतनी आसानी से नहीं भूलूंगी। राहुल व्हाट इज इट? ये हम दोनों के बीच की बात है। हम दोनों के बीच कोई बात नहीं है राहुल सेठ, हमारे बीच सिर्फ गुस्सा है, मुझे तुम पर और तुम्हें मुझ पर। अरे रिचा आओ, कम इन बैठो। मैंने सोचा तुम रात को ना आने का बहाना बना दोगी। अरे ये काम मेरा भी है, सिर्फ आपका तो नहीं कि बहाने बनाऊंगी। नो सर रिचा, थोड़ा सा हो सकता है कि हमारी पसंद एक ना हो, लेकिन उससे ये साबित तो नहीं होगा कि तुम्हारी पसंद खराब है। लेकिन उससे मुझे काम नहीं मिलेगा। नहीं रिचा ऐसी बात नहीं है, अब हमारे पास एक बल्क ऑर्डर आ गया है, हमको कल से ही काम शुरू करना है। अरे तुम आ गए, ये हमारे साथ काम करती है, इसका नाम है रिचा। अच्छा अच्छा आप हैं रिचा। ओ आप कैसे जानते? आप ही ने मुझे सेड़े कपड़ों में चेंजेस किए थे ना। The world is small indeed. तुमको किसने बताया? मिसेस सेठ ने। रिचा नाइस नेम, अच्छा नाम है रिचा। डार्लिंग हमें काम करना है, एक इम्पोर्टेंट असाइनमेंट मिला है हमको। आप लोग कहीं और जाकर काम कर लीजिए, मुझे यहाँ काम करना है। मगर हमने तो काम शुरू कर दिया। चार स्केचेस ही तो है, मैं उठा देता हूँ, उसमें क्या है, आप लोग दूसरे कमरे में बैठ जाइए। तुम्हें बहुत जरूरी काम करना है कुमार। बहुत जरूरी। अच्छा चलो। सॉरी रिचा। आप बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऐसा नहीं है,
तुमने अभी शादी नहीं की ना, जब करोगी तो समझोगी। बैठो। क्या आप ये कहना चाहती हैं कि एक करियर वुमन को शादी नहीं करनी चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। जब शादी करोगी तो ये सोच समझ कर तय करना चाहिए कि मैं किससे और क्यों कर रही हूँ। खैर छोड़न बातें, कॉफी लोगी? आप लोग चाहें तो ऊपर काम कर सकते हैं, मेरा मूड बदल गया है। ओ, मैंने सोचा आप तुम इस रूम में करने का मूड रखते हो। मैं बाहर जा रहा हूँ, डिनर नहीं करूंगा। गुड नाइट ऋचा। गुड नाइट। गुड नाइट मिस्टर शर्मा।